यति नरसिंहानंद सरस्वती पर चलेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मुकदमा। कोर्ट की अवमानना का ये मुकदमा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा यति नरसिंहानंद सरस्वती पर चलाया जाएगा। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको दे रहा हूं। यति नरसिंहानंद सरस्वती जो कि डासना देवी मंदिर का महंत है, उस पर लगातार कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त ये सबसे बड़ा मुकदमा दर्ज किया गया है जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी के वेणुगोपाल ने जिसकी परमिशन दी है। और मुंबई के इस एक्टिविस्ट ने के वेणुगोपाल जो कि देश के अटॉर्नी जनरल हैं, उनसे ये गुजारिश की थी कि नरसिंहानंद सरस्वती पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का यानी सेक्शन 15 के तहत मुकदमा चलाया जाए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि के वेणुगोपाल जो हैं वो देश के अटॉर्नी जनरल हैं और बहुत से ऐसे मामले उनके पास जाते रहते हैं, लेकिन बहुत ही कम मामले ऐसे होते हैं कि जिन पर के वेणुगोपाल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जरिए मुकदमा चलाने की इजाजत देते हैं। ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, उसी सुप्रीम कोर्ट में यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ चलाया जाएगा। के वेणुगोपाल ने इसकी इजाजत दे दी है और अब सेक्शन 15 के तहत, सेक्शन 15 के तहत के वेणुगोपाल ने कहा है कि नरसिंहानंद सरस्वती पर यह मुकदमा इसी सुप्रीम कोर्ट में चलाया जाएगा। अब लग रहा है कि नरसिंहानंद सरस्वती की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अगर सीधे लफ्जों में कहा जाए तो अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। तो ये मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं नरसिंहानंद सरस्वती की, और अब ये मुकदमा जो कि बहुत बड़ा मुकदमा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा है, जिसके जरिए अब नरसिंहानंद सरस्वती पर इसी सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा चलाया जाएगा। आपको वहीं ये भी बता दूं कि दोनों को, नरसिंहानंद सरस्वती को भी और वसीम रिजवी यानी जितेंद्र नारायण त्यागी को भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या पहले से ही पुलिस को इन दोनों पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। ये पूरा नफरत का खेल पिछले 6 महीने से लगातार देश की राजधानी दिल्ली में भी और उसके अलावा देश के अलग अलग कोनों में चलाया जा रहा है, तो क्या इस पर पहले से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। ये तमाम सवाल लोगों की तरफ से लगातार उठाए जा रहे हैं और अब इनके खिलाफ पूरा माहौल एक तैयार किया जा चुका है। मगर यहाँ एक सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ नरसिंहानंद और जितेंद्र त्यागी ही इसमें मुख्य रूप से जो कर्ता धर्ता है वो सिर्फ दो हैं, या उसके अलावा जिनके खिलाफ नामजद FIR दर्ज हुई है वो बाकी 10 लोग कहाँ हैं जिनको पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है, और उनकी गिरफ्तारी कब होगी, ये भी सवाल देश की जनता लगातार पूछ रही है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।